श्रीनगर में हैं। आज यहाँ पर रंभाभार स्तूपा के पास पहुँच चुके हैं। हमारे जय भीम साथियों, हम इस वक्त कुशीनगर में हैं रंभाभार स्तूप के पास। यहाँ पर देखिए हमारे साथ में नागपुर के धम्म उपासक लोग हैं, हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सर आप नागपुर से आए हैं, बोध गया नालंदा राज के वैशाली का दर्शन करते हुए आज कुशीनगर में पहुँचे हैं, रात्रि निवास यहाँ किए हैं। यहाँ आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा सर, यहाँ का वातावरण देख के हम बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत यहाँ पर हिस्टोरिकल जो जगह देखने से हमें पता चल गया कि इसके पहले बुद्ध ने यहाँ पे क्या कहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, कैसे सब जानकारी मिली। यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, इससे बहुत फायदा है। अच्छा, यहाँ आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आते हैं? नहीं सर, ये मेरा प्रथम बार, पहली बार है, इसके पहले नहीं आता। अच्छा, आने जाने कोई तकलीफ? नहीं सर, मेरे को तकलीफ नहीं होगी। हमारी यात्रा रेल से हो गई, उसके बाद में हम ट्रैवल्स के साथ में किया, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और जितना हमारा उतना मदद किया, धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, आप मैडम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम। हम लोग नागपुर से आए हैं 10 लोग, तो हम सबसे पहले तो चैंटिंग के प्रोग्राम के लिए आए थे, 2 दिन के लिए। चैंटिंग का प्रोग्राम हमने 2 दिन अटेंड किए हैं, उसके बाद हम लोग टहलने के लिए निकले हैं। और पहली बार हम लोग बुद्ध गया आए हैं यहाँ पे, तो हमने जो मुस्लिम दिन वाले जो भगवान बुद्ध का जो अवतार देखे, तो वो इतना अच्छा लगा कि इसके पहले हमने कभी देखी नहीं, या तो माँ बाप ने हमको कभी लेके ही नहीं गया कि अपना ये भगवान बुद्ध का इतना अच्छा स्थान है, तो आप जाना चाहिए या देखना चाहिए, या तो इसके पहले ऐसे बहुत बार चांस है लेकिन यहाँ पर आने का कोई यही नहीं, जुड़ के ही नहीं आया कि हम लोग यहाँ पर आए और आकर कम से कम भगवान बुद्ध का दर्शन करके जाए, पर वो हुआ ही नहीं। तो अभी हम लोग पहली बार सब फ्रेंड्स को लेके तैयार हो गए, सब सारे फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ तक के पहुँचे हैं और साथ में भैया मिले हमको, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए तालियां हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोग अभी आपके साथ आगे भी जाने वाले हैं, तो बस जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। थैंक यू भैया। नमो बुद्धाय जय भीम। आपसे भी मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, आपका यात्रा कैसा रहा बोध गया में, राजगीर नालंदा का, और फिर आज कुशीनगर में है उत्तर प्रदेश। नालंदा का अपना आज बुद्धगाय का यात्रा तो बहुत अच्छा लगा, वो पूरे मंदिर घूमने हम घूम ले हमने, और ये एक क्या राजगीर गए उधर भी, और बुद्धगाय में वो जो काला बुद्ध था, ब्लैक बुद्ध, उसमें लोग तेल डाल रहे, तो अपने इसमें तो कोई तेलों के डालने का कुछ है नहीं ना, उधर हिंदू लोगों का है वैसे तेलों के डालने का, पर वो नया चल लगा, वो एकदम अलग लगा कि अपने बुद्ध ब्लैक बुद्ध है, उसमें लोग तेल डाल रहे। और ये क्या है यानी श्रद्धा से फिर तेल निकाल के मालिश करो, ऐसा करो वैसा करो, वहाँ के लोग बता रहे, तो वो थोड़ा सा हमको ये लगा अजब, साइंटिफिक रीजन उसमें कुछ भी नहीं, और कुछ ये नहीं लगा हमको, पर वो जो मेन बुद्धिस्ट मूर्ति है अंदर में, वो इतना अच्छा लगा कि लग रहा कि नहीं अपना भगवान बुद्ध अपने तरफ मैंने देख ही रहे हो, यानी बहुत अच्छा लगा वो हमको। अच्छा, तो आप नालंदा में काला बुद्धा जी का दर्शन? नालंदा नहीं, नालंदा है वो, उत्खनन से निकला है, सही बात है। आप भी मैडम आगे, तो इसलिए कम से कम नमो बुद्धाय जय भीम कुमार चैनल पे बोलिए। नमो बुद्धाय जय भीम। आप कहाँ से हैं? हम नागपुर से हैं। अच्छा, आज कुशीनगर में पहली बार आए हैं, इसके पहले भी कभी आ चुके हैं? नहीं नहीं, पहली सब लोग हम पहली बार आए हैं यहाँ। अच्छा, तो यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमको, फिर दोबारा आने का दिल कहेगा? हाँ हो, दोबारा आएंगे हम। आप? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं ना, हम लोग सब 10 लोग नागपुर से आए, खास हम लोग देखना ही था। मैं नागपुर से हूँ, मैं एडवोकेट वर्षा बोल रही हूँ, और मैं सब हमारे ग्रुप के साथ ये देखने आई हूँ बुद्ध गया। हमने इसके पहले सिर्फ सुना था, हमारी बहुत इच्छा थी काफी दिनों से, पर योग जुड़ के नहीं आ रहा था कि यहाँ आ जाए, और यहाँ हम आने के बाद बुद्ध गया देखे, नालंदा में देखे, पूरे बौद्धिस्ट जितने टेम्पल्स हैं वो देखे हैं, हम बहुत खुश हुए हैं, और अभी हम इसमें कुशीनगर में है, और अभी हम बाकी का पूरा देख के जाएंगे, और आगे का टूर हम करेंगे भैया जी के साथ, इन्होंने हमें पूरा गाइड किया है और आगे भी करेंगे। चलिए, अच्छा, आपको नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं साधना मिश्रा, मैं योगा टीचर हूँ, और थोड़ा सोशल वर्क भी हम लोग करते हैं। पहली बार हम लोग बुद्ध गया है, क्योंकि वहाँ पर चैंटिंग का प्रोग्राम था,
हम लोग कम से कम 25-30 लोग आए हुए हैं चैंटिंग के प्रोग्राम में, और यहाँ पर हम घूमने के लिए 10 लोग हैं। तो हम आगे आ गए हैं, वहाँ पर चैंटिंग का प्रोग्राम कम्प्लीट हो रहा है, और हम लोग संजीवनी सखी संघ करके एक बहुत बड़ी हमारी संस्था है, हम उसको फॉलो करते हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम अपने बुद्धिस्ट कल्चरल के हिसाब से हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम सेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ आने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया है, जी जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, हम वो जगह देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और यहाँ पर सब कुछ साइंटिफिक रीज़न पे हैं, यहाँ कोई अंधश्रद्धा नहीं है। लेकिन एक जगह हमें ये बात खटक में आ गई है कि जो ब्लैक बुद्धा जो है, बैठने वाली जगह नहीं हो, ब्लैक बुद्धा जो है उस पर जो तेल डाल रहे हैं और उसको लगाने से बोलते हैं कि आपके हाथ पर दर्द करता, तो ये तो अंधश्रद्धा वाली बात होगी। सबसे मेन बात, वहाँ पर जो गेट बना हुआ है उस गेट पर उन्होंने गणेश जी की मूर्ति लगाई हुई है, उसका मुझे कुछ रीजन समझ में नहीं आया। वो हिंदू की कमजोरी है। नहीं, जो भी बात है तो इस तरफ उन्होंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कोई अंधश्रद्धा वाले लोग नहीं है, हम साइंटिफिक वाले लोग हैं। अब जहाँ पे प्रूफ होती है जो भी बातें, हम उस बात को फॉलो करते हैं। बुद्धा ने भी कोई चमत्कार नहीं किया है, उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे मार्ग से जा सकते हो तो आपको अच्छी बातें ही मिलेगी, अगर आप अच्छी बातों को फॉलो करते हो तो आपका आपका जो जीवन है वो अच्छा होगा। अगर आप कुछ अंधश्रद्धा में जाओगे तो अंधश्रद्धा में आपको कुछ भी रखा हुआ नहीं है। हम अगर बोलेंगे कि हम भगवान भगवान करते हैं और हमको कोई चीज़ मिलती है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो आप उसका फल मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो गौतम बुद्ध की जो बातें हैं, बाबा साहब की जो बातें हैं, हमें उसको फॉलो करना है। बस मुझे इतना ही कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैडम आ जाइए हमारे कैमरे के सामने। मेरा नाम नीतू पाटिल है, मैं संजीवनी सखी से जुड़ी हूँ, और यहाँ आके बहुत अच्छा मुझे लगा। और सब सहेली ने तो बताया, वही हमने देखा है पूरा, मतलब तो काला कौन सा ये है गौतम बुद्ध, उसमें तेल डालना, वो कैसा चमत्कारिक अंधश्रद्धा है, वो तो मैं फॉलो नहीं करती, इसलिए मैंने तेल लिया था, मैंने वापस कर दिया उन लोगों को। चलो आप सर आ जाइए, आप भी कुछ बोल दे, बाकी तो कुछ बात कर लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका नाम सर? मैं जगदीश रामटेके, जेपीआर एंटरप्राइजेस का डायरेक्टर हूँ, और मैं साइंटिफिक वर्क का काम करता हूँ, और हम लोग नागपुर से आए हुए हैं, और दीक्षा भूमि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और वहाँ से आए हुए हैं। यहाँ के भी लोग दीक्षा भूमि में आते हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं, इन लोगों ने भी हमारा स्वागत किया है, अच्छी तरीके से किया है। हम लोग यहाँ भगवान बुद्ध के ध्यान केंद्र को, उनके अवशेषों को देखे हैं, अच्छी तरीके से हम सबको सबको समझाया हुआ है। हम लोग 10 लोगों का ग्रुप है, ये हम लोग नागपुर से लेके नेपाल होते हुए नागपुर जाने वाले हैं, गोरखपुर, और अभी हम लोग कुशीनगर में है। अच्छी तरीके से हम लोगों का इन लोगों ने स्वागत किया, और वो जो भगवान बुद्ध ने जीवन में किस टाइप से जीना चाहिए ये सिखाया है, ना कि बाकी तरीके से जो जीते हैं लोग वो हम लोग अवॉइड करते हैं। हम हमारे मतलब जीवन में जिस टाइप से जीना है वो हमको खुद को डेवलप करना है, ना कि हम दूसरे के अनुकरण पे चले। भगवान बुद्ध ने कभी हम बोला नहीं कि मेरी पूजा करो, और दूसरी बात कैसा है कि तुम्हारे इसमें ही खुद में भगवान है, तुम्हारे हर आदमी के दिल में भगवान अगर रखे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। मैं नहीं, आप प्रूव कर लो, कोई भी इंसान रहो, अच्छे से ज़िंदगी अगर जीना है तो हर तरीके से वो खुद ही जी सकता है, ना कि दूसरे का अनुकरण कर। ये सब इस टाइप से ये सब चीज़ें चलते रहे। जय चलिए अच्छा, आइए मैडम, आपको भी नमो बधाई। जय भीम, आपका नाम? वंदना मोहिले। आप भी नागपुर से? हाँ, जय भीम, नमो बधाई। हम भी सब नागपुर से आए, पूरे लोगों के साथ ही। अच्छा अच्छा, आपका यहाँ कुशीनगर के आप पहली बार आए? हाँ, पहली बार। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। और आप अभी बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, केसरिया, कृपा, भगवान पर्यटक सब जगह आप घूम करके आए? हाँ, सब घूम के आए, सब अच्छा लगा। सब अच्छा निकला, सब अच्छा निकला। अभी आप लोगों, अभी आप घुमा लो, वो भी देख लेते, वो भी अच्छा लगेगा, और फिर बाद में नागपुर चले जाते हैं। ओके, थैंक यू। जय भीम,
अपन लीडर नहीं है अपन आपकी कोई आइडेंटिटी दाखवाला मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ आने को मिलेगा पर मेरी फ्रेंड ने जैसे कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ वैसे नागपुर की हूँ तो मैं बॉम्बे में कहाँ रहती हूँ बीकेसी में रहती हूँ तो फिर मुझे ऐसा जब मेरे फ्रेंड ने बोली चलती क्या तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि बाप रे तो मेरी इच्छा थी कि मुझे बोध गया और एक बार देखना है तो मेरे फ्रेंड के कारण मुझे यहाँ बोध गया आने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सब बोल दिया है तो मैं क्या बोलूँ वो लोगों ने सब बोल दिया है और अच्छा बोला है मैं उनसे अच्छा नहीं बोल सकती बस मैं उनके शब्दों को फॉलो करके इतना ही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है बोध गया अब भगवान ने मालूम नहीं और मुझे बुलाया क्या यहाँ और आया को भी बोलेगा कोई चलो यानी अपनी एनर्जी रही तो मैं फिर और एक बार हर बार आएंगे हाँ क्योंकि मुझे बोध गया ये अपना धम्म टूर है ना ये अपने प्लेसेस देखना मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे खास है एक वक्त था मैं दुखी था तो हमारे पिताजी के बीमारी में इन्होंने बराबर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल देखने आते थे वहीं से हमारा सबसे ज़्यादा है हमारे बस्ती के रहने वाले हैं राम सबत जी नाम है और इन्होंने तब जब से जुड़े हैं हमारे साथ में तब से आज तक कोई वो नहीं है और हर दुख सुख में हम इनके साथ में रहते हैं ये हमारे साथ में ये हमारे दुख में रह चुके हैं अब इनके आगे कोई दुख पड़ेगा तो हम भी इनके साथ में रहेंगे इसके लिए हम आपको नमो जय जय नमो जय 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 ज